नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। चलिए फटाफट नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के प्रदूषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने गुजरात में आने वाले साइक्लोन वाहन की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। बैंक धोखाधड़ी मामलों में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में 169 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने 7000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में 35 मुकदमे दर्ज किए। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हुआ सख्त। वहीं एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को किया तलब। 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो वहीं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में ठाकरे आवास मातोश्री के बाहर आदित्य ठाकरे के लगे पोस्टर। वहीं पोस्टर में लिखा मेरा विधायक मेरा मुख्यमंत्री। शिवसेना के कॉर्पोरेटर हाजी हालिम खान ने लगवाया ये पोस्टर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक सेना की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो वहीं भारतीय सेना ने सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम का आज तीसरा दिन। तो इवन नंबर की गाड़ियां आज सड़कों पर रहेंगी। 15 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन नियम। राजधानी जयपुर में एकल नारी शक्ति संगठन की 20वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम को सीएम गहलोत ने संबोधित किया। कहा 20 साल पहले मैं पहली बार सीएम बना था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जालौर के पथवेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में बढ़ते डेंगू के कहर को लेकर हाईकोर्ट ने जनसुनवाई की, जहां कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने की मेडिकल बोर्ड गठन करने की अपील। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पीएम मोदी से की मुलाकात। वहीं राज्यपाल ने मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर की बात। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की घोषणा। वही वकीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवानों का प्रदर्शन जारी। जवानों ने किरण बेदी के समर्थन में लगाए नारे। कहा हमारा कमिश्नर कैसा हो किरण बेदी जैसा हो। देहरादून के एनआईवीएच में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया से शपथ पत्र के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत के खिलाफ देहरादून बार एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। उत्तराखंड के मसूरी में सर्वे ग्राउंड में एक दिवसीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां प्रतियोगिता में देवभूमि स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर समिति की ओर से आयोजित किया गया था। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम जानने आए छात्र पर कर्मचारी ने थप्पड़ मार दिया। तो वही पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सरकारी गेस्ट हाउस में शराब की खाली बोतलें मिली, जहां बोतलें मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में स्टेट हाईवे नंबर 13 पर चोरों ने टाटा इंडिकेस के एटीएम को निशाना बनाया और चोर एटीएम से करीब 6 लाख रुपए चुरा कर ले गए। चोरों ने गैस सिलेंडर और कटर से एटीएम के सामने के हिस्से को काटकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो वही उत्तराखंड के देहरादून में लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए मानव श्रृंखला बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करने का संदेश दिया और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां इस दौरान कमिश्नर ने कुंभ मेला 2021 के लिए किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कई विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार के लिए जनसुनवाई की और इस दौरान काफी संख्या में लोग फरियाद लेकर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। महंगाई की मार ने फिर से रसोई घर का जायका बदल कर रख दिया है। प्याज 70 से 80 तो वहीं टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हम अधिकांश जगहों पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जनता को हम पर विश्वास है।
राजस्थान के झुंझुनू के खेतरी नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने युवक के पास से देसी कट्टा बरामद किया है। वहीं भीलवाड़ा में खेत पर काम करने गए पिता पुत्र की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पाली के तखतगढ़ में बीते 10 महीनों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज सैनिक कॉलोनी के वासियों ने नगर पालिका में जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने अधिशासी अधिकारी को समस्या समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। वही राजस्थान के बाड़मेर के सिवाना तहसील कार्यालय में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दरअसल पटवारी 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। पंचकुला में शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह बाली के घर को निशाना बनाया गया, तो वहीं चोरों ने घर से लाखों रुपए की नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा में दो कारों में हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की बताई जा रही है मौत, 6 लोग बताए जा रहे घायल। बूंदी उत्सव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में बूंदी उत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड के अलक्सर में नवनियुक्त सीओ अविनाश वर्मा ने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की और साथ ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक हुई, तो वही बैठक में सैंतल बांध से रवि की फसल के लिए पानी नहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया। वही राजस्थान के भरतपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी युवक पुलिस को देख भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईएसआईएस आतंकी अबू बकर बगदादी के खात्मे के बाद अब तुर्की ने बगदादी की बहन को गिरफ्तार किया है। बगदादी की बहन को उत्तरी सीरिया के शहर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को इस बारे में बात भी की और सूचना भी दी है कि वो पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस का समर्थन किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तेलंगाना में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया गया है। तेलंगाना बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात कर हड़ताल और आत्महत्या करने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने की ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने मामले को 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाक्षी गांगुली की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक ताजा विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने मस्जिद के अंदर मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। याचिका में महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश न करने देने को अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जाने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए कहा गया है। कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक मामले पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम कपिल सिब्बल के कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा के खिलाफ अपने आरोपों को दर्ज करने के अनुरोध पर विचार करेंगे। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री सिर्फ शिवसेना का होगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 171 विधायकों का समर्थन है और ये संख्या 175 भी हो सकती है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है और न्याय की खातिर लड़ाई में उनकी पार्टी की ही जीत होगी। वही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पीएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की रार के चलते सरकार बनाने में देरी हो रही है। जिस बीच शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने खत में बातचीत के लिए नितिन गडकरी को भेजने की सलाह दी है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी में बढ़त दर 5% से भी नीचे आ सकती है। एमडीएमएस से ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
दीपक कुमार ने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पद जीता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का 10वां कोटा भी हासिल किया है। आपको बता दें कि रामशंकर कठोरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने 9 साल पुराने मामले में यह वारंट जारी किया। भीषण चक्रवात महागुजरात के पोरबंदर और दीप के समुद्री तट से टकराने की संभावना है, तो वहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। केंद्र सरकार ने तूफान से निपटने की तैयारियां कर ली हैं। वही राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो जन सुनवाई हुई, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस जन सुनवाई को कर लोगों की समस्याओं का निदान किया। दौसा जिला परिषद की ओर से माडा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की 109 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई। वहीं सीनियर सेकेंडरी में 65% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी गई। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष की सभी मांगे मानने को तैयार हो गए, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अमृतसर में लगे सिद्धू और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पोस्टर, करतारपुर कॉरिडोर के लिए बताया असली हीरो। बीजेपी ने कहा एसआई के हाथों में खेल रहे हैं सिद्धू। वे राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मामले में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी किया गया तलब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सादा सरकार पर निशाना, कहा हरियाणा में जन भावनाओं के खिलाफ जाकर बनाई गई है सरकार, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होती है सफल। वही काले कोट और खाकी वर्दी के टकराव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आज न्यायाधीश करेंगे सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बोले स्वाभिमान की करेंगे रक्षा। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस जल्द ही 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। हाल ही में विश्व की प्रमुख आईटी कंपनी कोग्निजेंट ने 13,000 कर्मचारियों को बाहर करने की घोषणा की थी। वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला मंजूसी सुपर लीग की टीम केपटाउन ब्लिट्स के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि एमएसएल का दूसरा सीजन 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान जेम स्मिथ ने दूसरी बार शादी कर ली है। स्मिथ ने 2 नवंबर को अपनी प्रेमिका रोमी लान फ्रांची के साथ शादी रचाई है। वही पाकिस्तान में भारत का डेविस कप मैच नहीं होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अनुरोध मान लिया है।